वाइसेज एट क्लासेस बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, जो रनिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, वो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक दैट ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड जो है ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इथेनॉल को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो कर चुके हैं हम। इंट्रोडक्शन डन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डन कर दी हैं हमने। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो हम पढ़ रहे हैं इसकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता होना चाहिए कि हमने तीन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी पढ़ ली है, जिनमें मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ, मतलब यहाँ पे बता दूंगा। आप जिसने वो केमिकल रिएक्शंस नहीं देखी होंगी इथेनॉल की, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको बाय नेम वो रिएक्शंस हैं। एक तो हमने रिएक्शन विद सोडियम पढ़ ली थी, रिएक्शन विद एक्शन ऑफ हीट पढ़ लिया था, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ ली। आज हम बेटा फोर्थ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिस फोर्थ केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे, ठीक है, कि हम पढ़ने वाले हैं कंबस्शन रिएक्शन। इसका आप नाम लिख लोगे, कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन का मतलब है बर्निंग। ठीक है, आप इसको बर्निंग भी बोलते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए इथेनॉल आपने लिया, इथेनॉल है हमारा कार्बन कंपाउंड जिसकी हम ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ये आपने इथेनॉल ले लिया बेटा, इसको फटाफट से आपने क्या करना है, बर्न करना है। किससे बर्न करोगे? ठीक है, इसको आप बर्न करोगे विद एयर, दैट इज ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो गिव्स यहाँ पे आप लिखोगे, ग्यूजस के ऊपर बेटा आप कंडीशन लिखोगे कंबस्शन या बर्निंग लिखोगे इधर आप ग्यूजस के ऊपर। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो बर्निंग कंबस्शन की हो रही है, इन विच व्हाट हैपेंस ओवरऑल, यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल जो है इट गेट्स ट्रीटेड विद एयर दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इन द प्रोडक्ट इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। सो ये बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पे आइडिया बैलेंसिंग जो है वो मुझे लाना होगा यहाँ पर कार्बन से। देखिए CH3CH2 में मेरे कितने कार्बन हैं, वन और वन टू हैं, हीट एंड रॉयल मेथड से ना। तो मैं यहाँ पर CO2 में क्या कर लूँगा, फटाफट टू टाइम CO2 कर लूँगा, क्योंकि ना ही मेरा कार्बन H2O में है ना ही यहाँ हीट एंड लाइट में, तो ये तो एनर्जी जितनी है, तो H2O में है ही नहीं कार्बन। कार्बन का मुझे यहाँ पर आएगा CO2 में ही जितना कार्बन। तो इनका सोर्स था पीछे इथेनॉल, उसमें दो कार्बन है, मैंने दो कार्बन से यहाँ पे वापस ला दिए। अब देखो बदले में ऑक्सीजन मेरे पे कितने हो गए CO2 में, टू टू जर फोर। ठीक है, फोर इधर हो गया और एक आ गया वाटर में, हो गए पाँच। लेकिन पाँच तो इसका मतलब ऑड नंबर, तो मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पे, मतलब इस मॉलिक्यूल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर छः का मैं आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, मैं मतलब ऑड बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मतलब पाँच का केस नहीं बनेगा। यहाँ पर आप थ्री टाइम्स कर लोगे, देखो आ गया थ्री टू जार कितना हो गया सिक्स। थ्री टाइम्स अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ, एक आ गया आपके यहाँ OH में, कितने हो गए सात। तो देखिए यहाँ पर टू टू जार कितना हो गया बेटा आपका, फोर ऑक्सीजन प्लस आप यहाँ पे करोगे चार, और थ्री टाइम्स करोगे यहाँ पर H2। थ्री टाइम्स में आपके ऑक्सीजन जो हैं वो तीन माने जाएंगे, चारों तीन हो गए सात, और सात ही थे आपके वहां पर, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थे आपके थ्री इधर, दो इधर थे, कितने हो गए पांच, और एक ही था इसमें, कितने हो गए छह। तो थ्री टू जर सिक्स यहाँ पे आपका आ गया। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपके वेरियस एटम जो है वो बराबर हो गए, तो इसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन इस कंबशन रिएक्शन में ओवरऑल हमने किया क्या बेटा, इथेनॉल लिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, उसको एयर दैट इज ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, उसके बाद हमें प्रोडक्ट CO2 H2 और हीट एंड लाइट इस तरह से मिले। आप इसको बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अदर इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था अगर रिएक्शन के दौरान में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है तो तब हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हीट एंड लाइट आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है, लिहाजा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। होप कि ये रिएक्शन आपकी क्लियर हुई हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। इन केस कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। चलिए फिफ्थ केमिकल रिएक्शन इथेनॉल की वो हम लेंगे आज, और वो हम करेंगे इसको इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ। आप लिखोगे रिएक्शन विद
एथोनाइक एसिड। एथोनाइक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो है बेटा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शन लगता है ना इसके साथ। तो यह है एसिटिक एसिड, कॉमनली इसको बोलते हैं एथोनाइक एसिड, इसका IUPAC नेम। इथेनॉल के बाद हमने यही पढ़ना है, लेकिन फिलहाल यहाँ इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन आ रही है, तो फटाफट से ले लीजिए CH3CH2OH और प्लस ले लीजिए आप CH3COOH, ठीक है, एथोनाइक एसिड। इसका नाम इथेनॉल, इसका नाम एथोनाइक एसिड, ठीक। जैसे ये दो ले लिए आपने, गिव्स अस के ऊपर आप लिख लीजिए द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखी थी ना, एक्शन ऑफ हीट में आपने देखा था कि जैसे हम इथेनॉल को हीट कर रहे थे, वहाँ डिहाइड्रेशन हो गई थी, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर हो गया था, वो स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम मैंने बताया था आपको याद रखना, कंसनट्रेटेड H2SO4 वो यूज़ किया था हमने, तो वो कंसनट्रेटेड H2SO4 में यहाँ पर और यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पर जैसे ये इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की कंपाउंड का नाम क्या होगा, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, तो वो ध्यान रखना आपने, वो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर बेटा, वन मिनट, वो कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ पर एस्टर। एस्टर्स आप साइड पर लिख लीजिए, एस्टर्स भी एक टाइप होती है, एक क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनका जनरल फार्मूला RCOOR होता है, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको RC OO ऐसे करो और ये OR ऐसे दिखाओ, इस तरह से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इनको एस्टर्स बोलते हैं, वो कंपाउंड्स यहाँ पर इस रिएक्शन से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर R ग्रुप कौन सा मैं ले रहा हूँ, ये देखिए CH3, ये एक R ग्रुप हो गया इसका, ये ले लिया मैंने। फिर यहाँ CH3 के बाद क्या है, C। अब मैं ये H2 नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सर्कल में रखता हूँ, CH3 के बाद C। अब देखिए बेटा उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ये वाले दो ऑक्सीजन, CH3 के बाद COO ले रहा हूँ, या तो रनिंग में भी ले सकता हूँ, या जैसे मैंने यहाँ दिखाया था इस तरह से ऐसे भी दिखा सकता हूँ, आपको अपनी चॉइस है। चलिए COO। अब ये H भी नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से CH3C, ठीक है, CH3COO, और यहाँ से ले रहा हूँ CH3, समझ आ रही है आपको बात, CH3, यानी मैं बोलूँगा यहाँ पर RCOO और CH3, एक मिनट बेटा, वन मिनट, ठीक है, यहाँ से मत जाइए आप, यहाँ से देख लीजिए, ये इथेनॉल है ना आपका, ये वाला मॉलिक्यूल, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, एक मिनट, ये वाला मॉलिक्यूल आपका इथेनॉल है, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से इसको देख लीजिए, अब जो आगे प्रोडक्ट में लिखना है ना, CH3COO, CH3CO लिख दिया आपने, इस H को छोड़ दीजिए, CH3COO, और फिर आप लिख लीजिए ये वाला CH2 और CH3 इसके साथ, ठीक है, ध्यान दीजिए आप, ये CH2 CH3 इसके साथ लिखना है, यानी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैसे, इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर, ये CH3, ये COO H को छोड़ रहे हैं, और ये CH2 CH3 मतलब CH3 COO, इस H को आपने छोड़ दिया, फिर यहाँ से इस इथेनॉल का आपने ये CH2 CH3 ग्रुप इसके साथ जोड़ दिया, तो CH3 COO CH2, लेकिन ऐसे लिखना है CH2 CH3 इस तरह से बेटा। प्लस क्या रह गया यहाँ पर, प्लस रह गया यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन नहीं लिखा, और यहाँ से आपने ये वाला OH नहीं लिखा बेटा, ये ध्यान करना, तो ये कितना हो गया, ये OH और ये H कितना हो गया आपका H2O, तो प्लस आप H2O लिख दोगे। अब इसका नाम क्या आएगा, जो ये कंपाउंड है ना आपका, ये वाला जिसको आप, मैंने एस्टर बताया, ये वाला इसका नाम आप बताओगे, ठीक है, CH3CH2, इस वाले को आप इथाइल पढ़ लो, आप बताओगे सर इसका नाम है इथाइल, ये एक और एक दो कार्बन फिर से आ रहे हैं, इथाइल इथ एन और अवेट लगाते हैं यहाँ पर, OAT अवेट लगाते हैं नाम में, IUPAC नेम में यहाँ पे, तो इसका इथाइल इथेनॉवेट नाम इस तरह से बन गया, ठीक है, होप कि ये रिएक्शन आपकी क्लियर हुई हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा,
फिर से देख लीजिए कि हमने इस रिएक्शन में क्या किया बेटा, रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड में, और रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड था तो फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई प्रोडक्ट में, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में, बार बार बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हुआ जिसमें हमने इथेनॉइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया, कंसेंट्रेटेड डाइस्टोसोफोर के साथ ट्रीट किया उसको, इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड डाइस्टोसोफोर रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट में आपका CH3COOCH2CH3 जिसको आप बोल रहे हो इथाइल इथेनॉएट, या फिर आप इसको स्वीट स्मेलिंग एस्टर बोलोगे, ठीक है, या फिर अगर कॉमन नेम बताना है तो इथाइल मिथाइल एस्टर, क्योंकि एक ग्रुप इसका अल्काइल इथाइल है, एक मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, वहां पर नाम में कॉमन सिस्टम है, तो इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, इसलिए हम इथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे नाम में, इथाइल फिर बोलेंगे मिथाइल और फिर वर्ड एस्टर लगा देंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल एस्टर, लेकिन आईयूपीएसी नेम बेटा इथाइल इथेनॉएट जो मैंने बता दिया वो होगा, और प्लस H2। इसके बाद है आपका टेस्ट फॉर एन अल्कोहल, ठीक है, कुछ टेस्ट करते हैं बेटा हम, टेस्ट फॉर एन अल्कोहल, मान लो कि आपको हम कोई लिक्विड देते हैं और आपको कहा जाता है कि बताइए ये अल्कोहल है या नहीं, तो कुछ टेस्ट करेंगे हम जिससे हम पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है या ऑर्गेनिक लिक्विड अल्कोहल है या नहीं है। तो पहला टेस्ट है आपका सोडियम मेटल टेस्ट, क्या याद रखना है, सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या करते हैं हम, आप एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले जाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, एड अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, मतलब इसमें सोडियम मेटल आपने ऑर्गेनिक लिक्विड, ये क्या आपका है, ये आपका ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसको टेस्ट करना है कि ये अल्कोहल है कि नहीं, वो लिया, उसमें ऐड करना है आपने छोटा छोटा जो सोडियम मेटल होगा, ठीक है, सोडियम मेटल आपने उसके साथ ऐड करना है, और ठीक है सोडियम मेटल ऐड करने के बाद ही यहाँ पर आपने देखना है कि क्या होगा अगर इफ बबल्स, ठीक है, इफ बबल्स या जिसे आप एफरविसेंस बोलते हो हैं, आर प्रोड्यूस्ड, अगर यहाँ पर आपको देखे कि यहाँ पर बबल्स बन गए सर ऐसा करने से, तो वो बबल्स जो हैं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो वही इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर एक गैस जिसे आप हाइड्रोजन गैस बताओगे वो रिलीज हो गई, तो ये बबल्स बनना इंडिकेट करेगा यहाँ पर कि यहाँ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो अल्कोहल है, ये याद रखेंगे आप इस तरह से, अगर बबल्स बनते हैं तो वही इंडिकेशन होगा, वही इंडिकेटिंग पॉइंट होगा आपका बबल्स बनने का कि ये ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो अल्कोहल है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। चलिए दूसरा टेस्ट पढ़ते हैं बेटा, दूसरे टेस्ट में आप लिखेंगे उसका नाम एस्टर टेस्ट, इम्पॉर्टेंट है ये भी, एस्टर टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, तो ये एस्टर टेस्ट किस तरह से करते हैं हम अल्कोहल का, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आपने टेस्ट करना है उसको हम वार्म करते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा, उसको वार्म करते हैं हम, किसके साथ वार्म करते हैं, विद सम, मतलब थोड़ा सा आपने लेना है ग्लैशियल एसिटिक एसिड लेना, ग्लैशियल एसिटिक एसिड, आपको पता है ग्लैशियल एसिटिक एसिड किसको कहते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ पर लिख दो, प्योर प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसे ग्लैशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है, तो इस ग्लैशियल एसिटिक एसिड के साथ आपने वार्म करना है, गर्म करना है किसको, ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका टेस्ट करना है कि अल्कोहल है कि नहीं उसको, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको वार्म ग्लाइसियल एसिटिक एसिड के साथ करेंगे, साथ में आपने क्या करना है, एंड ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स, कुछ दो तीन ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं यहाँ पर बेटा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, एक स्वीट स्मेल, मतलब काफ़ी मिठास वाली बू जो है, स्मेल जो है, स्वीट स्मेल यहाँ पर, स्वीट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, वो पैदा होगी, वो बनेगी यहाँ पर, ठीक है, और याद रखना ये जो स्वीट स्मेल बनेगी बेटा, असल में यहाँ पर ये कंपाउंड जो होंगे ना वो सेमी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स ही प्रोड्यूस होंगे, इसलिए वो स्मेल आपकी स्वीट आएगी, और उनका नाम है एस्टर्स, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, एस्टर्स जो कंपाउंड होते हैं दे आर स्वीट स्मेलिंग इन नेचर, तो ये एस्टर्स जैसे कंपाउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं इस अल्कोहल से, तो जिसे हम मतलब समझते हैं कि जैसे ही स्वीट स्मेलिंग यहाँ पर आपको मिलेगी तो आपका ये पॉइंट इंडिकेट करेगा स्वीट स्मेल आने का, कि जो गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड था, गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड था वो अल्कोहल है, ठीक है, होप कि ये टेस्ट भी आपको समझ में आ गया हो।
ठीक है, ए स्वीट स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अल्कोहल। तो बेटा आज हम ये जो आज का हमारा लेक्चर रहा इसमें हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस जो थी ठीक है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की इथेनॉल की, और उसके बाद हमने कुछ टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ा, और फाइनली आज हम इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं थोड़े से, ठीक है, यूजेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लेकिन कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल स्पेशली जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ यूजेस आप नोट करेंगे ठीक है, जिसमें पहला यूज आप लिखेंगे इथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैंट्स, ठीक है, इथेनॉल इज यूज्ड कहां पर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यहां पर आप लिखोगे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैंट्स, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निशेस, यही रंग रोगन वगैरह, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लैक्यूर्स, ठीक है, या फिर मेडिसन्स, मेडिसन्स में भी ये प्रेजेंट होता है, इसका यूज होता है, या फिर बेटा परफ्यूम्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम्स में भी, ठीक है, डाइज में भी, सोप्स में भी, ठीक है, एंड सिंथेटिक रबर में भी, समझ आ रही बात आपको। तो दूसरा जो यूज़ है बेटा, नेक्स्ट यूज़ आप बताओगे इसका, ये एक गुड सॉल्वेंट है, जैसे मैंने कभी कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, यस, ऊपर इथेनॉल में बताया था सॉल्बिटी ऑफ इथेनॉल, तो मतलब हम अक्सर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर किसी कंपाउंड की सॉल्बिटी को चेक करने के लिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स सॉल्वेंट के तौर पर होते हैं यूज़, जिनमें ये अल्कोहल इथेनॉल खुद है, ये भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इट डिजॉल्व्स मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्वेबल इन वाटर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्बिटी इसकी, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, अच्छा खासा अच्छा सॉल्वेंट है ये, इसके कारण ये क्या करता है, इट डिजॉल्व्स, ठीक है, जो इसकी नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो उनको अपने आप में डिजॉल्व करता है, इट डिजॉल्व्स मैनी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल, लेकिन जिनको तुम देखोगे वाटर में तो वहाँ पर वो इनसॉल्युबल होंगे, तो यहाँ पर इसके साथ वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन यहाँ इथेनॉल में वो सॉल्युबल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज़ बोलेंगे इसका कुछ, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन एज टिंक्चर आयोडीन, ठीक है, आप टिंक्चर आयोडीन की शक्ल में भी इसको मेडिसिन मेडिसिनल यूज़ बताएंगे वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कफ सिरप्स में भी यूज़ करते हैं, समझ आ रही बात, जैसे कॉस्कोपिन वगैरह जो हम कफ सिरप्स जो है जो यूज़ करते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है, ये कफ सिरप्स में भी यूज़ होता है, कफ सिरप्स में भी यूज़ होता है, ठीक है, और बहुत सारी टॉनिक्स में भी बेटा, एंड आल्सो इन मैनी टॉनिक्स, ठीक है, जो टॉनिक्स यूज की जाती हैं सिर्फ उसमें भी जो है ये यूज़ होता है। उसके बाद आप बताएंगे कुछ और यूज़ बताएंगे, तो इथेनॉल इज यूज एज फ्यूल इन कार्स, ठीक है, एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे, इन कार्स अलॉन्ग विद पेट्रोल, अलॉन्ग विद पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिक्स करके भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन सेपरेट लैंप्स, ठीक है, सेपरेट लैंप्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल में, ठीक है, फ्यूल की तरह सेपरेट लैंप्स में भी। उसके बाद हो गया फिफ्थ यूज जो आप बताओगे, ठीक है, इट इज इथेनॉल इज वाइडली यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, जिनको आप बोलते हो बेवरेजेस, ठीक है, इनको हम बेवरेजेस भी बोलते हैं, बेवरेजेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि देखिए बीर हो गया, ठीक है, बीर है, रम है, विस्की है, ठीक है, विस्की है, ब्रांडी है, एट्सेट्रा, तो इन वैरायटीज़ में भी हम इनको इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा
अगर हम इसका एक और यूज़ देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वन वो है ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, ठीक है, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब सेफ टू बी यूज ऑन द लिविंग टिश्यूज, एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज, किसको स्टेरिलाइज करने के लिए, टू स्टेरिलाइज वाउंड्स, ठीक है, वाउंड्स को जब कभी आपको कोई जख्म वगैरह लगता है, वाउंड्स एंड, ठीक है, यस सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं, फटाफट से जो है आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।